गुनगुन की मम्मी, गुनगुन के पापा। फील्डिंग करो। फील्डिंग को छोड़िए, पहले मुझे छोड़िए। छोड़ूंगा तो गिर जाओगी। और ये पहले हाथ हटाइए, फिर मुझे खड़ा करिए, फिर छोड़िए। आप सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं ना मिस्टर त्रिवेदी? हाँ, जानबूझकर क्रिकेट खेल रहा हूँ क्योंकि मजा आता है, करेक्ट? ज्यादा तेज बनने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मोहल्ले में क्रिकेट खेलना, इतना शोर मचाना, वो भी दोपहर के टाइम, लगता है एक और नोटिस भिजवाने पड़ेगी आपको। दो तो ऑलरेडी आपके पास हैं, तीसरा आ जाएगा तो याद है ना, इसी सोसाइटी छोड़कर जाना पड़ेगा आपको। तो उस हिसाब से नोटिस इन बच्चों को भी मिलना चाहिए, इन बच्चे के पेरेंट्स को मिलना चाहिए, इनके ग्रैंड पेरेंट्स को मिलना चाहिए। चिल्ला तो ये भी रहे थे, नहीं शिक्षा शिक्षा, बोलो बोलो बोलो, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। बस अपनी चतुराई ना अपने पास ही रखिए मिस्टर त्रिवेदी, समझा रही समझ जाइए। अरे समझ तुम क्यों नहीं रही हो, डिस्टर्ब करियो ना हमें। ये हमारा क्रिकेट पिच है, फैशन शो का कोई रैम नहीं, जो तुम ऐसे मटक मटक कर चल रही हो तुम। थैंक यू थैंक यू। देखिए मुझे ना ठीक तरीके से बात करिए, ये बदतमीजी मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम जो हमें डिस्टर्ब कर रही हो ना, ये हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। करेंगे हम बर्दाश्त, आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? तू मत बोल। यहाँ गेम खेलने की कोई जरूरत नहीं है, घर जो इतनी गर्मी है, घर जाके कार्टून देखो, जाओ 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 जाओ, कार्टून देखो कार्टून देखो, जाओ। अरे आंटी, हम अपने मम्मी पापा से परमिशन लेके आए हैं, जब मोहन अंकल हमारे साथ खेलते हैं तो मम्मी पापा हमें परमिशन दे देते, मोहन अंकल हमारे किचन क्या करते, हमारे पानी की बोतल पिलाते। क्रिकेट सिखा रहे थे, पोस्टर स्पीड लेंथ, सोसाइटी के धोनी है मोहन अंकल, माय बेस्ट फ्रेंड। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ, क्यों बच्चों को बेवजह परेशान कर रहे हैं? कौन से बच्चे को परेशान करो? बच्चों, क्या मैं किसी को परेशान कर रहा हूँ? नहीं। मजा आ रहा है? बोले मत बनिए, हम मनन की बात कर रही हूँ। मनन परेशान हो रहा है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा बेटा थोड़ी ना है। क्या हो गया, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सच तो यही है ना कि मनन मेरा बेटा नहीं है? नहीं? हाँ, यही सच है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे सुकून भरा सच तो यही है कि मनन आपका बेटा नहीं है। बाकी बेहज की बहुत कृपा है मुझ पर कि मनन आपका बेटा नहीं है, क्योंकि अगर वो आपका बेटा होता ना तो बिल्कुल आपकी तरह होता, और मेरी जिंदगी का नाश करने के लिए आपके जैसे सिर्फ एक ही काफी है। क्या है ना मिस्टर त्रिवेदी, आप ना उल्टे घड़े की तरह हैं, जिसे जितना भी पानी से भरने की कोशिश करो वो अंदर से कभी भर ही नहीं सकता। बिल्कुल वैसे जैसे मैं आपको जितना भी कुछ कहूं, जितना भी समझाने की कोशिश करूं, आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर कुछ घुसता ही नहीं है। शुक्र है भाग्य बिहारी जी का कि मनन आपका बेटा नहीं है, वो मेरी सारी बातें मानता है, सही गलत में से फर्क करना आता है, और आपकी तरह बेवजह लोगों को परेशान नहीं करता है, क्योंकि मनन अपने पापा पर गया है, यानी कि युग पर।